हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल अक्षा आर्टिस्ट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं सरस्वती माँ का पेंटिंग। तो सबसे पहले हम स्किन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम ज्वेलरी में गोल्डन कलर से अप्लाई करेंगे, जिसमें मैंने येलो और डार्क येलो मिला कर के कलर किया है। उसी कलर को मैं साड़ी के बॉर्डरीज में और ब्लाउज के बॉर्डर में भी, उसके बाद मैंने ब्लैक कलर से साइड में बॉर्डर करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसको हम धीरे धीरे करके करते जाएंगे और कलर भी करते चलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इसमें साड़ी वाइट कलर का ही रखने का डिसाइड किया है। अब हम वीना को कलर कर रहे हैं, जिसमें मैंने ब्राउन कलर से उसे अच्छी तरह से कर लिया है। तो वीना का कलर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोटस पे कलर कर रहे हैं। मैंने इसको लाइट येलो कलर का करने का डिसाइड किया था, तो मैंने येलो में वाइट कलर मिला करके उसे बहुत लाइट कर दिया है। उसके बाद मैंने उसके साइड साइड में डार्क येलो, थोड़ा सा उसे डार्क शेड जो था उसको किया है। उसके बाद अब मैं उनके माथे में जो फूल है, कमल फूल है, उसे कलर कर रही हूँ। तो अब हम उनके साड़ी के पार्ट्स को कलर कर रहे हैं। तो उसमें मैंने रेड कलर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं धीरे धीरे हाईलाइट भी करते चलूँगी, बॉर्डरीज ब्लैक कलर से करते चलूँगी, तो मैं वो कर रही हूँ। और ज्वेलरी को भी मैंने हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया है ब्लैक कलर से। हेयर्स पे कलर कर रहे हैं। मैंने पूरा ब्लैक कलर पहले अप्लाई कर दिया है, उसके बाद फिर मैं इस पर वाइट कलर से हाइलाइट्स करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज शेयर कर सकते हो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब हम लोटस को भी ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। आप लोग देखिए अच्छे से और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगता है। मैं बहुत ही जल्द आप लोग के लिए एक और सरस्वती माँ का पेंटिंग लाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करो। अब हम थोड़ा स्किन कलर को हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ा ब्राउन कलर से इसे कर रहे हैं साइड साइड से, और उसके ऊपर फिर मैं स्किन कलर पेंसिल कलर से उसे मिलाऊँगी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं साड़ी को वाइट ही रखूंगी, तो इसलिए मैं उस पर छोटे छोटे बूंदे बना रही हूँ डिज़ाइन के लिए येलो कलर से। तो अब मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि मैं पहले हेयर्स को ब्लैक कलर से कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं पेंसिल कलर से वाइट कलर से उसे हाईलाइट करूँगी, तो मैं वही कर रही हूँ। तो अब हम वीना की पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। उसे अच्छे से, जो मैंने पोर्शन छोड़ दिया था कलर करने को, उसे कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं उसे ब्लैक कलर से हाईलाइट करूँगी। उसके बाद फिर मैंने उसमें पेंसिल कलर से ही वाइट कलर से डिज़ाइन बनाया है, उसको फिर मैं ब्लैक जेल पेन से उसे बाउंड्रीज में डिज़ाइन बना दूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दिया है तो उसे भी मत भूलिएगा। तो अब हम सरस्वती माँ के वाहन यानी कि हंस को कलर कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। उसे मैं बाउंड्रीज कर रही हूँ, मैं उसे पूरा नहीं करूँगी, बस उससे शेड करूँगी। उसके बाद फिर मैं उसे ब्लैक कलर से भी हाईलाइट करूँगी। गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उसके बाद ब्लैक कलर से हाईलाइट करूँगी, तो मैं वो करना स्टार्ट करती हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे। चलिए अब बैकग्राउंड को कलर करते हैं। सबसे पहले तो मैंने नीचे में ग्रीन कलर से करना स्टार्ट कर दिया है, लाइट ग्रीन से। उसके बाद फिर मैं इसमें और डार्क कलर ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस बार सरस्वती पूजा और रिपब्लिक डे एक ही दिन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो इसलिए ग्रीन तो नीचे में करना ही था मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर में ऑरेंज कलर कर देती हूँ, जिससे कि बैकग्राउंड में इंडियन फ्लैग बन जाएगा और मेरा पेंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और हम दोनों फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे ही मैंने अब कलर करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग देख रहे होंगे। अच्छे से देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये अब कंप्लीट होने ही वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आप लोग को मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।